नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं और सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं। और एक ऐसा सितारा जो आज हमारे साथ जुड़ेगा जिसने टेलीविजन पर काफी काम किया है, क्राइम सीरीज काफी की है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, एक दूजे के वास्ते टू, और खास बात यह है कि डॉक्टर के किरदार के लिए काफी फेमस है। चलिए नाम बता देते हैं, उसके बाद उनके सफर के बारे में हम आपको बताएंगे। राष्ट्रीय ठक्कर डॉक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं और एंकरिंग काफी अच्छी करती हैं, लेकिन अब छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं, छोटे पर्दे पर लंबे समय से बनी हुई, और खास बात यह है कि मॉडल भी है। मॉडल के बाद उन्होंने एक्टिंग फील्ड में काम किया और आज आप देख रहे हैं उन्हें कई क्राइम सीरीज में। सावधान इंडिया उन्होंने किया है, सावधान इंडिया में कई रोल किया है, क्राइम पेट्रोल, क्राइम सीरीज, और ये है यारियां सीरीज भी उन्होंने किया है जो हाल ही में रिलीज हुई है। लेकिन डॉक्टर गरिमा के किरदार से एक दूजे के वास्ते सीजन टू से काफी फेमस हुई राष्ट्रीय ठक्कर आज हमारे साथ बातें सितारों की में जुड़ेगी और उनकी जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मॉडल का सफर एक्ट्रेस तक कैसे पहुंचा, कैसे उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है राष्ट्रीय ठक्कर, और भोपाल से निकलकर मुंबई तक का ये सफर उनका कैसा रहा, आज हम बातें सितारों की में उन्हीं से बात करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं जो उनकी मॉडलिंग की है, लेकिन थिएटर में काफी काम किया है, थिएटर से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। चलिए आज बातें सितारों की में हमारे साथ टेलीविजन एक्ट्रेस राष्ट्रीय ठक्कर जुड़ रही है। राष्ट्रीय, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका, और बातें सितारों की से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। बहुत बहुत थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। राष्ट्रीय, हर रोज हमसे नए नए सितारे जुड़ते हैं और हम लोगों को भी इंतजार होता है कि हमसे अलग अलग सितारे हर रोज जुड़े और हम आप लोगों की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करें। लेकिन जर्नी जानने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अपनी लाइफ में कैसी रहती हैं। होता है ना, एक बिंदास इंसान होता है, एक चुप चुप सा होता है, तो राष्ट्रीय अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जीती है? राष्ट्रीय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कुछ टेक्निकल आई थिंक इशू आ रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम फिर से। लेकिन तस्वीरें हमने आपको बताई और राष्ट्रीय भी बातें सितारों की हमारे साथ जुड़ गई, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगी राष्ट्रीय ठक्कर। लेकिन तब तक उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं। एक दूजे के वास्ते टू सीजन में डॉक्टर के किरदार में हमें डॉक्टर राष्ट्रीय ठक्कर दिखाई दी, डॉक्टर गरिमा का किरदार निभाया। अच्छा, अब टेलीविजन पर भी उन्होंने डॉक्टर का किरदार निभाया, अब रील और रियल में कितना डिफरेंस देखने को मिला उन्हें, और ये किरदार उन्हें कैसे मिला, और इस किरदार के बाद ही काफी चर्चित हुई राष्ट्रीय ठक्कर। लेकिन एक्ट्रेस के अलावा एंकर भी है, होस्टिंग भी करती है, प्रोग्राम्स उन्होंने काफी किए हैं, और क्राइम सीरीज, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये है यारियां जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वेब सीरीज उन्होंने की है जिसमें राष्ट्रीय आपको येलो कलर की ड्रेस में दिखाई दे रही है। चलिए उनकी तस्वीरें हम आपको मॉडलिंग की दिखा रहे हैं राष्ट्रीय ठक्कर की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, भोपाल से निकलकर उन्होंने मुंबई तक का सफर किया, सफर अभी भी जारी है, लेकिन इसी बीच कई वेब सीरीज और कई सीरियल्स उन्होंने किया। चलिए हमारे साथ फिर से बातें सितारों की में जुड़ गई हैं राष्ट्रीय ठक्कर, जो कि टेलीविजन पर लगातार एक्टिव हैं, कई सारी सीरियल्स में, क्राइम सीरियल्स में आपने राष्ट्रीय को देखा होगा। राष्ट्रीय, अभी हम पूछ रहे थे कि अपनी लाइफ आप कैसे जीती हैं, क्योंकि अभी जरूरी है पॉजिटिव मंत्र सबको देना, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, तो राष्ट्रीय असल जिंदगी में कैसी है? मुझे ऐसा लगता है, एक चीज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हम वो कहते हैं ना कि जैसा भी हम यूनिवर्स को एनर्जी देंगे सेम वैसा हमारे पास लौट के आएगा। तो आई थिंक जब आप अंदर से बड़े खुश रहते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, वो कहते हैं ना काइंडनेस, और आपका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, तो आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। तो शायद ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले जिनके सपोर्ट से और जिनके प्यार से शायद मैं आज कुछ कर पा रही हूँ। अच्छा, तो राष्ट्रीय अपनी रियल लाइफ में मतलब हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है? बिल्कुल। अच्छा, एक 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 नेचर होता है चुप चुप वाला और एक बहुत ज्यादा बोलने वाला है, तो फिर राष्ट्रीय का नेचर कैसा है? ठीक है, सीरियल्स में तो हम लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बातें करती हूं और बहुत हंसती हूं, बहुत खुश रहती हूं। बट ये बिल्कुल आपने सच कहा कि बड़ी कुछ सेंसिटिव मन की हूं मैं, बड़ा हंसी मजाक मुझे पसंद है, मुझे वैसे ही माहौल में रहना भी पसंद है। अच्छा, तो इसका फायदा कभी मिला है सीरियल्स इसमें?
हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत करती हूँ, तो हम असल जिंदगी से भी बहुत सारे कैरेक्टर्स उठा लेते हैं ना, जिनको हम पे पर्दे पर दिखाते हैं। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और फिर कभी वैसा ही कुछ किरदार मिलता है तो वो बड़ा मदद करता है स्क्रीन पे मुझे। अच्छा, एक किरदार मिला। अच्छा, असल जिंदगी में हम आप सभी को बता दें, डॉक्टर है राजश्री, और उन्हें किरदार भी डॉक्टर का ही मिला था एक दूजे के वास्ते सीजन 2 में। उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजश्री, एक होता है हम बचपन में बहुत ज्यादा बोलते हैं, मस्ती करते हैं, तो आसपास वाले सब कहते हैं यार ये बड़े होके शायद, आई थिंक शायद चुप चुप निकलेगी, तो ऐसा कुछ हुआ या फिर बचपन में भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है? मेरे साथ तो उल्टा ही था। मैं बचपन में भी बड़ी बातें करती थी, हंसी खुशी रहती थी, और अभी भी वैसे ही है। शायद मेरे अंदर तो बचपन ना भी गया ही नहीं है, वो बस समय समय पे थोड़ा उसको मैं दबा देती हूँ जहां मुझे जरूरत पड़ती है, पर अंदर से अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हमारा जो हम जो मुस्कुराते हैं वो हमारे दोस्तों को भी फिर पसंद आने लगता है, हाँ ठीक। बिल्कुल सही कहा। अच्छा राशि, हम थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें और बचपन में जाए। हम बचपन की तो बातें कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल लाइफ हम सभी ने जी है, और हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन स्कूल लाइफ हमेशा याद रहती है। राशि की यदि बात करें तो स्कूल लाइफ में हम 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या एनुअल फंक्शन हो, हम लोग छोटे छोटे प्लेस करते हैं। राशि ने कभी बचपन में प्लेस किए हैं? हाँ एक्चुअली देखा जाए तो स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी लाइफ का, एक बड़ा बेस होता है स्कूल। तो स्कूल से हम जो सीखते हैं वो जिंदगी भर याद रहता है। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे स्कूल में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारे ड्रामा, म्यूजिक, सबसे ज्यादा एक्सटेम्पोर डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, और साथ ही में मेरे मम्मी पापा भी स्कूल के बड़े चक्कर लगाते थे, क्योंकि हर दूसरे दिन मेरी कोई शिकायत आती थी, बट देन मैं उसे कवर अप कर लेती थी अपनी अकेडमिक्स के साथ, तो इसीलिए बच बच के मैं निकल गई स्कूल लाइफ में। ये शिकायत कैसी आया करती थी कि बहुत ज्यादा मस्ती करती है, बहुत डॉल? शरारती। हाँ वो तो होती है बचपन में, तो सभी होते हैं खैर, लेकिन मेरे जो मेरे कहते हैं ना, जैसे आप हो तो वैसे लोग आपको आसपास मिलते हैं, तो मैं जैसे बड़ी शरारती सी थी, बातूनी सी थी, तो मेरे सारे दोस्त भी वैसे थे, तो फिर हम सब बीच बीच में 2-4 दिन में एक कंप्लेंट हमारी जाती थी। लेकिन ये था कि हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा डिबेट, एक्सटेम्पो और इन सब चीजों को बड़ा प्रमोट किया जाता था, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज सिखाई जाती थी, जिसका रिजल्ट मुझे लगता है आपको बड़े होकर जरूर मिलता है। बिल्कुल, अभी दिख भी रहा है रिजल्ट। आप एंकरिंग भी काफी अच्छी कर दी है, डॉक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी, मतलब जैसे कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, वही है राश्री। अच्छा राश्री, बचपन में जो प्लेस किए थे, ऐसा कोई प्लेस जो हमेशा आपको अभी तक याद हो, ऐसा कोई रोल आपने किया हो? बचपन में देखा जाए तो बहुत सारे प्ले तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटे से थिएटर कर रही थी, तो थिएटर में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बड़े मजेदार लगते हैं, बड़े यादगार हैं मेरे लिए। जैसे एक नाटक है पंचलाइट करके, उसमें बड़ा मुनिया का कैरेक्टर है, बड़ी गाँव की लड़की है, चटपटी बातें करती है, हंसी खुशी आती जाती है, तो वो कैरेक्टर ना मुझे कहीं ना कहीं मेरे जैसा ही लगता है कि वो बड़ी, पूरे गांव में मुसीबत आई है लेकिन वो फिर भी अपनी मस्ती में मगन है अपने दोस्तों के साथ, तो वैसा कैरेक्टर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी ही हूँ कुछ। मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो खुद से मैच होते हैं। हाँ, अच्छा, राइट। थिएटर से आप जुड़ी हुई हैं, थिएटर लंबे समय तक आपने किया, अभी भी थिएटर कर रही हैं राशि आप? मैं अभी भी थिएटर कर रही हूँ। थिएटर जैसे एक सिंगर रियाज करता है, एक डांसर प्रैक्टिस करता है, तो मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए थिएटर भी वो रियाज है जो मुझे लगता है जिंदगी भर करना चाहिए, तो थिएटर से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, इसीलिए शायद मैं थिएटर हमेशा करूंगी। अच्छा थिएटर, हम ये कह सकते हैं कि थिएटर से जो कलाकार निकलकर इंडस्ट्री में जाता है, कहते हैं ना पका हुआ घड़ा जिसे कहते हैं, हाँ कह सकते हैं, जैसे क्योंकि सारे थिएटर किरदार। में जी आप बहुत लंबे समय तक एक किरदार को रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके डिटेल में जाते हैं, लिटरेचर, राइटर, सबके बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जब आप कैमरे पर उस चीज को दिखाते हैं तो वो दिखता है कि आपने इस चीज को बारीकी से समझा। अच्छा, तो ये एक्टिंग और एंकरिंग के बीच फिर राशि ने पढ़ाई कैसे करी, क्योंकि डॉक्टर भी आप बन गई हैं? ये तो बड़ा बड़ा कठिन सवाल पूछा आपने मुझसे, क्योंकि बड़ा कठिन दौर भी था वो। एक्चुअली कॉलेज की पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम थी, कॉलेज में भी मुझे उतना ही टाइम देना होता था, लेकिन मैं बस इंतजार करती थी कि मेरी क्लासेस खत्म हो और मैं भागूं घर और जल्दी से मैं अपने थिएटर पहुंचूं, और जैसे थिएटर खत्म हो तो मैं अपने इवेंट पे पहुंचूं, तो बहुत भाग दौड़ रहा बहुत लंबे समय तक, लगभग 5-6 साल मेरा कॉलेज चला। पर इस इन सब के बीच में मेरी फैमिली का अच्छा सपोर्ट था, वो हमेशा मुझे कहते थे कि नहीं पढ़ाई, बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसे कंप्लीट करने के बाद ये मेरी चॉइस है कि मैं किस फील्ड को चुनती हूँ, लेकिन मुझे बेसिक एजुकेशन अपना कंप्लीट करना चाहिए, इसीलिए मैंने अपना कॉलेज, अपना BSc होम्योपैथी पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद में पूरी तरह से एक्टिंग और इवेंट्स में आ गई।
तो होम्योपैथी आपने किया है तो कोई क्लिनिक या फिर कहीं कहीं कभी कभी ये प्रैक्टिस एंड ऑल ये सब एक साथ काम तो चीजें कैसे बिल्कुल हो भी जाती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर फील्ड में जब तक एक्सपीरियंस आपके हाथ में ना हो तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको एज अ प्रोफेशनल फील्ड में उतरना चाहिए। कॉलेज कंप्लीट किया लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कभी मैंने पेशेंट देखे नहीं है, तो इसीलिए शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी आगे, क्योंकि मेरा पूरे तरह से मेरा इंटरेस्ट हमेशा से एक्टिंग में रहा, तो अब मैं आगे भी एक्टिंग ही करने वाली। अच्छा, तो फिर पेरेंट्स को जब ये पता लगा कि डॉक्टर की पढ़ाई तो राष्ट्रीय कर ही रही है लेकिन फील्ड तो कोई और ही चुन रही है, एक्टिंग में जाना है, तब फिर पेरेंट्स का क्या कहना था? सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि ये गई किस पे है, क्योंकि घर में कोई इस फील्ड से नहीं है किसी का भी इतना ज्यादा आर्ट के प्रति इंटरेस्ट नहीं था। बट धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आया कि एनी हाउ मैं मैनेज कर रही हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर भी, और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में भी एक्टर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी करी उसके बाद भी वो काफी नोन एक्टर्स हैं, तो उन्होंने भी समझा, उन्हें जब रिजल्ट मिला तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा राजश्री, ये जो आपको एक्ट मिले हैं करने को, ये जो रोल मिले हाँ हैं, ये थिएटर के जरिए मिले हैं या किसी प्रोडक्शन हाउस के जरिए, या फिर अचानक से रोल आया था कि हमें ऐसे किरदार की जरूरत है? अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ओपन ऑडिशंस वगैरह भी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं या प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनको ऐसा लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली कास्टिंग के थ्रू मेरे पास आए, बट कुछ ऐसे हैं जिनमें उन लोगों को मूलतः थिएटर आर्टिस्ट ही चाहिए था तो वो मुझे थिएटर के थ्रू आए ऐसा। अच्छा, तो फिर वो कहते हैं ना, सबसे पहली चीज हमेशा याद होती है जो हाँ हम पहली बार करते हैं, तो राजश्री का पहला एक्ट कौन सा था, वो कैसे मिला, ऑडिशन कैसे दिया? थिएटर एक किरदार, थिएटर में हम सभी किरदार करते हैं, प्लेस करते हैं, लेकिन जब हम किसी सीरियल के लिए शूटिंग करते हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े कैमरे फेस करने होते हैं। तो फिर राजश्री ने वो पहला कौन सा रोल किया था, कैसे मिला था? एक्चुअली मेरे लिए तो पहला जो मैंने प्ले किया था वो भी बहुत यादगार है। हुआ ये था कि मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी और मैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती थी कि मैं लाइव शोज को होस्ट करती हूँ, मैं टीवी में कैसे होस्टिंग शुरू करूँ या कैमरे को फेस करूँ। तो किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि दूरदर्शन के लिए एक शो के लिए उन्हें एंकर की जरूरत थी जिसमें वो लाइव अलग अलग चीजें दिखाने वाले थे, मध्य प्रदेश की सुंदर सुंदर जगह दिखाने वाले थे। तो मैं ऐसी वहाँ ऑडिशन देने चली गई थी, तो मुझे याद है कि हिंदी में एक बड़ी प्यारी सी स्क्रिप्ट आई और बस उसके बाद से उन्हें पसंद आया और फिर हमने वो शो शुरू किया, तो ऐसे करके वहां से अपॉर्चुनिटीज मिलती गई मुझे। अच्छा, तो एंकरिंग के बाद फिर आपको आई थिंक एक्टिंग के रोल मिले? हाँ मतलब कह सकते हैं आप, क्योंकि जब मैं एंकरिंग करती थी तब भी मैं थिएटर तो कंटिन्यू था मेरा, मैं थिएटर करती रहती थी, मैं सीखती रहती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि हमारे ग्रुप से ही या हमारे थिएटर में से ही कोई मुझे बता देता था राजश्री ऐसा कैरेक्टर है, तुम्हारे जैसा लुक चाहिए है या तुम्हारी एज ग्रुप का एक रोल है, तो ऐसे मैं हमेशा ऑडिशन देती रहती हूँ। एक्चुअली एक आर्टिस्ट की लाइफ में ना रोज एक नया चैलेंज होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर काम तो है नहीं जो आप 30 दिन करने वाले हैं, आप रोज उठते हैं और आप सोचते हैं कि आज कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आपको उस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करना है, तो हर दिन एक चैलेंज होता है किसी भी आर्टिस्ट की जिंदगी में। तो वैसे ही जब हर दिन हम उठते हैं तो कोई ना कोई नया इंसान जुड़ता है जो कोई नई अपॉर्चुनिटी बताता है, नया ऑडिशन बताता है, तो वैसे हम डेली उस पर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है जब आप सुबह उठी हो या फिर आप बहुत टाइम से सोच रही हो कि मुझे ऐसा किरदार चाहिए जिससे मुझे पॉपुलरिटी मिले, और अचानक से फोन आता है कि इस सीरियल के लिए कास्टिंग करनी है, ऐसा कोई सीरियल? ये तो नहीं कह सकते कि अभी वो टाइम आ गया है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर आना मेरी जिंदगी में बचा है जिसके बाद लोग राजश्री नाम ही भूल जाए और शायद उस कैरेक्टर का ही नाम हमेशा याद रखने वाले हैं। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अब एक ऐसा कैरेक्टर मुझे चाहिए जिसके बाद मेरी पहचान ही कुछ वैसी हो जाए, इतना बेहतरीन मैं उसे अभिनय करूँ। अच्छा, तो कौन सा कैरेक्टर राजश्री को आगे जाके करना है? ऐसा कोई कैरेक्टर होता है ना, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कॉमेडी हाँ होता है, या माँ का रोल हो, बेटी का रोल हो, तो कौन सा ऐसा रोल हो जो राजश्री को आगे मैं जाके करना है? ये सवाल जब मुझसे कोई पूछता है तो लोग मेरे आंसर से भी बड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा नेगेटिव रोल करना है क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी से एकदम ऑपोजिट होगा, मुझे थोड़ा सा वो एक नेगेटिव कैरेक्टर पकड़ना है ताकि मैं अपने आप बिल्कुल अलग राजश्री को मैं खुद भी देख सकूं इसीलिए। तो राष्ट्रीय, आप ये बात मानती हैं कि जहां पॉजिटिव को दर्शक प्यार देते हैं वहीं नेगेटिव से पॉपुलैरिटी मिलती है? ये आप बोल सकते हैं लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं तब से एक्टिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। आई थिंक हर एक्टर चाहे वो नेगेटिव रोल कर रहा हो या पॉजिटिव रोल कर रहा हो, अगर वो अच्छा एक्टर है तो वो ऑडियंस को पसंद आएगा ही,
ये वेब सीरीज और ओटीटी के आने के बाद से मुझे लगता है वो हीरो हीरोइन वाली इमेज चेंज होकर एक्टर और एक्ट्रेसेस वाली इमेज ज्यादा बन गई। मतलब वो पहले ऐसी इमेज होती थी कि हीरो और हीरोइन है मूवी में तो आई थिंक तभी चलेगी वरना नहीं चलेगी। हाँ, अब आई गेस मेरे ख्याल से कहानी और किरदार ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए कि आपने एक कैरेक्टर को कैसा लिखा है और एक एक्टर उसे स्क्रीन पे कितना अच्छा दिखा पाता है। आई थिंक ये ओटीटी के आने के बाद से ये बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फिर अगर वेब सीरीज की यदि बात करें तो राष्ट्रीय के हिसाब से वेब सीरीज का जो दौर आया है वो अच्छा है, यंगस्टर को मौका देता है, कहानी जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। क्या राष्ट्रीय ये मानती है कि वेब सीरीज का दौर ज्यादा अच्छा है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इससे एक तो लोगों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने लगी। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अच्छे एक्टर्स थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था, ओटीटी के आने के बाद से काम भी बढ़ा। दूसरा, ओटीटी में बहुत ज्यादा जो है आई थिंक हर सबके की कहानी को टच करता है ओटीटी। तो फिल्मों में देखा जाए तो हर चीज बड़ी ग्रैंड और यू नो लार्ज होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो गया है। अब लोगों से एकदम हम और आप भी उन कहानी से रिलेट कर सकते हैं, वैसी कहानियां आने लगी। तो विच इज आई थिंक वेरी वेरी नाइस। तो आई थिंक राष्ट्रीय हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बिलीव करने लगे। अभी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी मूवीज रिलीज हुई जो थिएटर में हो सकती थी बाकी कुछ समय बाद, जैसे हंगामा 2 एक बड़ी फिल्म है, हंगामा 1 के बाद वो फिल्म कुछ टाइम बाद भी रिलीज हो सकती थी लेकिन उसे अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, तो कहीं ना कहीं फायदा तो मिल रहा है। अब इसका बहुत सारे रीजन है। एक तो क्योंकि हम जिस अभी दौर से गुजर रहे थे जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस और सिनेमा घर उतने इजीली एक्सेसिबल नहीं थे, बंद ही थे एक तरह से, अभी भी बंद है। लेकिन ओटीटीज मुझे लगता है सबकी रीच में, क्योंकि ओटीटीज आपके फोन, आपके लैपटॉप, आपके टैबलेट में है। आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है कि आपको तभी स्क्रीन के सामने बैठना है, तो लोगों के लिए वो एक्सेसिबल बड़ा इजी हो चुका है। तो आई थिंक शायद इसीलिए भी लोग ज्यादा ओटीटी पे बिलीव कर रहे हैं, उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छा राष्ट्रीय, हम ये देख रहे हैं कि जो 90s के कलाकार है, अभी हम भी अगर हमारी सोच देखें तो 90s के कलाकारों में जो बात थी वो अब नहीं है। अभी कुछ कुछ एक्टर्स हैं जो हमें पसंद है, नवाजुद्दीन की बात करें, इरफान खान साहब की बात करें, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी की बात करें, तो इनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो राष्ट्रीय की यदि बात करें तो 90s और 20s में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? क्यों अभी भी लोगों को वही 90s की फिल्में, वही 90s के कलाकार पसंद है? ये तो आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम एक जनरल थॉट तो मैं इसमें नहीं दे पाऊंगी कि सब क्या पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि 90s की कहानियों से हम बहुत सारा नॉस्टैल्जिया भी कनेक्ट करते हैं। हमने बचपन में वो सारी फिल्में देखी होती थी और तब फिल्म देखा अपने आप में बड़ा चैलेंज था कि हमें स्कूल या कॉलेज में ऐसे इजिली हम थिएटर नहीं जाते थे। तो आई थिंक वो जब हम वापस उन कहानियों को देखते हैं तो वो ह्यूमर, वो फन हम रिलेट करते हैं। अभी की कहानियां देखा जाए तो अभी भी बहुत शानदार फिल्में हैं, जैसे उरी है या शेरशाह, ये सब कहानियां अपने आप में बड़ी अच्छी फिल्म है। पर ये तो डिपेंड करता है, हम और आप शायद मेरे आपके सबके विचार इसमें अलग ही होंगे। अच्छा राष्ट्रीय, आपने क्राइम शोज काफी किए हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम शो में कोई ऐसा किरदार जो आपसे जुड़ा हुआ हो या आपको लगता हो कि हाँ ये किरदार बहुत अच्छा रहा अभी तक का? आई थिंक एक डॉक्टर रोज का किरदार मैंने किया था, वो भी हमने क्राइम शो के लिए किया था, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा था क्योंकि उसमें उस कैरेक्टर में काफी सारी ट्विस्ट थे, कहानियां थे और वो भोपाल की ही कहानी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कहानी करके, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा वो कैरेक्टर। अच्छा ये एक दूजे के वास्ते सीजन 2 कैसे मिला था? इसमें भी आपको डॉक्टर की ही भूमिका मिली? ऐसा ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर है तो आई थिंक इसी किरदार में ज्यादा सूट करेगी? नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत कम लोगों को ये बात बताती हूँ कि मैं डॉक्टर भी हूँ, लेकिन सेट पे जाने के बाद जब पूछते हैं ना कि अच्छा आपने क्या किया, अच्छा आप डॉक्टर भी है, जैसे जब मैं ये 4+ पे शूट कर रही थी हमारा क्राइम शो, तो वहां पर मेरे को एक्टर थे, वो भी काफी जाने माने एक्टर थे, वो भी सर्जन बने हुए थे और मैं भी सर्जन का रोल कर रही, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो एक्चुअली में सर्जन है, बॉम्बे में उनका क्लिनिक भी है और वो कभी कभी टाइम निकाल के शूट भी कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक एक्टर भी है। अच्छा आपने डॉक्टर्स के किरदार की, मतलब राष्ट्रीय को मजा तो आया डॉक्टर का किरदार करके? हाँ, राइट। अच्छा, क्योंकि मुझे डिटेल्स पता होती थी ना।
ओके हाँ, तब तो फिर मजा आएगा क्योंकि रियल लाइफ से बिल्कुल मैच कर गया होगा वो किरदार। अच्छा ये जो सीरियल आपने किया और इतने सारे किरदार किए क्राइम शो में, ऐसा कभी हुआ है किसी किरदार के लिए सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के और उनके मैसेजेस आते हो? क्योंकि कुछ कुछ किरदार होते हैं ना जो दर्शक देखते हैं कंटिन्यूअसली या कभी कभी देख लेते हैं तो फिर मैसेजेस करने लगते, तो कौन से किरदार के लिए दर्शकों को मैसेज आया सोशल मीडिया? मैंने एक अभी एक वेब सीरीज की थी द जेल प्लान, जिसमें मैं जेलर का रोल कर रही थी, MS टिक्का बनी। तो उस सीरीज के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज आते थे कि यार तुम कितनी खतरनाक लग रही हो उसमें, तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो रियल लाइफ में, जेलर बनी हो तुम, इतनी यंग जेलर। तो मैं बोलती थी हाँ यार वो थोड़ा सा, वो कहानी भी मजेदार थी एक्चुअली, वो जेल प्लान एक फीमेल जेल की स्टोरी थी जहाँ पे सिर्फ फीमेल क्रिमिनल्स को रखा जाता था। तो इट्स अ बेसिकली एस्केप प्लान स्टोरी, तो बड़े ट्विस्ट और टर्न्स थे। तो लोग जब लास्ट एपिसोड आए नहीं तो मुझसे भी पूछते थे कि आखिरी में क्या होगा, तुम जीतोगी कि तुम्हारे कैदी जीतने वाले। तो देन आई हैव टू से देम कि वेट करो, लास्ट एपिसोड आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। तो ये किरदार तो आपका काफी अच्छा रहा होगा ना, ये किरदार तो आपने सोचा नहीं, और फिर ऐसा किरदार जेलर वाला फीमेल? हाँ ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि जब हम एक जेलर के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या इमेज दिखती है कि वो ना एक अपने 40-50s में जेलर होंगी, यूनिफॉर्म में होंगी, वैसी थी। लेकिन जब कास्टिंग हुई और मुझे बताया गया और जब मैं पहले दिन रीडिंग के लिए वहां पहुंची तो हमारे डायरेक्टर सर भी बैठे थे, वो भी मुझे देखकर बोले कि यार काफी यंग जेलर रखी है हमने। पर जब हमने कहानी पढ़ी और जिस हिसाब से वो कहानी थी उस हिसाब से आई थिंक मैं बिल्कुल सूट कर रही थी उस कैरेक्टर में। अच्छा एज एन एक्टर कौन सा किरदार आपको चैलेंजिंग लगा? आई थिंक पहले दिन या जब हम स्क्रिप्ट हाथ में लेते हैं तब हम अपने आप में थोड़ा सोचते हैं कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं। लेकिन जब हम फ्लोर पे पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ बहुत बड़े लोगों की टीम होती है, आपके डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स, एडीज, मेकअप आर्टिस्ट, तो इन सबकी मदद से वो अल्टीमेटली एक अच्छा कैरेक्टर निकल ही आता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी भी एक नेगेटिव कैरेक्टर का वेट कर रही हूँ कि वो मेरे पास आएगा जिसको मुझे थोड़ा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, बिकॉज मैं रियल लाइफ में बिल्कुल वैसी नहीं हूँ कि यू नो वो प्लानिंग करना वो स्ट्रैटेजी बनाना। वो कहते ना नेगेटिव किरदार को करने के लिए दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है, आई थिंक। हाँ मैं लगाना चाहती हूँ अपना दिल और दिमाग वैसे किसी बिल्कुल हम भी राष्ट्र को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही किरदार में देखना चाहेंगे। अच्छा राष्ट्र कुछ किरदार होते हैं धार्मिक किरदार जिसको कहते हैं, वो किरदार करना चाहेंगे? क्योंकि हमको हमें लगता है कि कहीं ना कहीं राशि उस किरदार में भी सूट करेंगे। हाँ ये तो मैं करना चाहती हूँ, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि तुम्हें किसी माइक्रो शो के लिए ट्राई करना चाहिए, और बिल्कुल अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो बाय नॉट, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। तो राशि फिर अपने आने वाले समय में खुद को कहाँ दिख रही है, फिल्मों की यदि बात करें, वेब सीरीज की बात करें, सीरियल्स की यदि बात करें तो? अगर मैं एज एन एक्टर सोचूं तो मैं OTT प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में काम करने मिलता है आपको, टीवी सीरियल्स और फिल्म के कंपैरिजन में ज्यादा रिसर्च और ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं जो हम OTT एपिसोड में दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल मैं चाहूंगी। लेकिन क्यों वो कहते हैं ना कि आपके प्लान और जिंदगी के प्लान हमेशा सेम नहीं होते, इसीलिए मैं तैयार हूँ जो भी आगे आएगा उसे खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए। बिल्कुल हमें भी इंतजार है कि राष्ट्रीय हमें नए किरदार में दिखाई दे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मल्टी टैलेंटेड हैं राष्ट्रीय, एक्ट्रेस भी हैं, एंकर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन अगर ये तीनों ही चीज राष्ट्रीय में नहीं होती, एक्टिंग भी, एक्ट्रेस भी नहीं आप होती, एंकर भी नहीं होती और डॉक्टर भी नहीं होती, तो फिर राष्ट्रीय क्या होती? फिर मैं आई थिंक दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन चुनती और मैं एक हाउस वाइफ होती, हाउस मेकर होती, क्योंकि आई थिंक सारी क्रिएटिविटी हम जो हाउस वाइफ होती है, जो हाउस मेकर होती है ना, उनमें सारी क्वालिटीज होती है। वो अपने बच्चों को डांस भी सिखाती है, वो अपने बच्चों को पढ़ना भी सिखाती है, वो कुकिंग भी जानती है, वो क्लीनिंग भी जानती है, वो बाहर की भाग दौड़ भी जानती है, वो सब कुछ जानती है। तो जैसे मैंने मेरी मम्मी को देखा है कि उन्होंने सब कुछ किया और शी इज एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड। तो अगर मैं इन तीनों प्रोफेशन में नहीं होती तो शायद फिर मैं एक अच्छी होम मेकर होती, जो कि शायद मैं आगे चल के होंगी, बट अभी फिलहाल के लिए तो मैं एक एक्टर हूँ। तो फिर राष्ट्रीय इन सभी तमाम ऑब्वियसली हाउसवाइफ तो होना ही, तो फिर इन चारों चीजों को कैसे मैनेज करेंगी राष्ट्रीय आगे जाके? जैसे अभी तक हो रहा है आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है, जैसे अभी तक मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, अगर ऐसा ही सपोर्ट आगे भी मिलता रहे तो आई थिंक कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते। अच्छा राष्ट्रीय हम जाते जाते ही पूछना चाह रहे हैं कि आगे हमें राष्ट्रीय कहाँ दिखने वाली है, क्योंकि इतने सीरियल्स में तो देख ही लिया है, ये है यारिया में भी आपको देखा है, लेकिन अब कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखने वाली, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बात करें तो एक नए किरदार के साथ बात करें।
बिल्कुल, अगली बार शायद आप मैं जब हम बात करेंगे तो हम कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मैंने हाल ही में काम किया है, और एक दो वेब सीरीज और ऐसी हैं जो आने वाली हैं जल्दी, जिनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, बट हाँ कुछ टाइम में आप वो जरूर देखेंगे। तो जब हम शायद अगली बार मिलेंगे तो मैं कुछ वेब सीरीज और कुछ फिल्म के बारे में आपसे जरूर बात करूंगी। तो हम दर्शकों को ये कह देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, राष्ट्रीय आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं भूलने देगी, और सोशल मीडिया पर जरूर अपडेट करेंगे कि कौन सी वेब सीरीज और मूवी आने वाली। राष्ट्रीय बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी बातें करने के लिए। तो ये है अभिनेत्री राष्ट्रीय ठक्कर, जो कि डॉक्टर भी है रियल लाइफ में, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर के किरदार राष्ट्रीय ने किया, और जल्द ही एक नई वेब सीरीज और फिल्म में नजर आएगी। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।